हाय फ्रेंड्स, मणिमेकर 2307 में आपका बड़े दिल से स्वागत है। जैसे कि देख सकते हो कि तीन स्टॉक है जिसमें वॉच लिस्ट में डालने के लिए बोला गया है और स्टॉक टू वॉच लिस्ट में भी आया हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हो मेरे इस चैनल में, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो आप ही का चैनल मणिमेकर 2307 को। यहाँ पर आपको हर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलेगा और आपको रखेगा फाइनेंशियली ब्रेकिंग न्यूज़ के मामले में सबसे आगे। तो तीन अंडर वैल्यू स्टॉक है जिसको आपको वॉच लिस्ट में रखने के लिए बोला जा रहा है, और अंडर वैल्यू स्टॉक है इक्विटी में जो मार्केट वैल्यूएशंस लोअर देन देयर ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू। तो किस बेसिस पे अंडर वैल्यू है, इसके इंट्रिंसिक वैल्यू जो होना चाहिए उससे कम में है ये स्टॉक, तो इस बेसिस पे आपको अंडर वैल्यू बोला जा रहा है वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से। तो पहला स्टॉक है UPL लिमिटेड। UPL देख सकते हो ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन और सीड कंपनी है जिसका सेल ऑफ प्रोडक्शन टू द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेना देना है। फॉस्फोरस और फॉस्फेट का काम करता है। कंपनी जनरेट किया रेवेन्यू अक्रॉस ग्लोब विथ सेल ओवर 120 कंट्री के ऊपर। आपका सेल्स आपका एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट को, तो सेल किया है प्रोडक्ट थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कवरिंग ऑल द रीजियंस। कंपनी हैज़ ए मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हो 50,100 करोड़ के आसपास। जो प्राइस है स्टॉक का 668 के आसपास है और अराउंड 0.80% डाउन हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। आपका प्राइस टू इक्विटी में आपका देखा जाए तो देख सकते हो कि वो 13.7 है विच इज़ लोअर देन द आपका इंडस्ट्री के पी जो 23 में ट्रेड कर रहे हैं उससे आपका आधे में मिल रहा है स्टॉक। मोर ओवर प्राइस टू बुक वैल्यू आपका अच्छा खासा 1.68 विच इज़ लेजर देन द इंडस्ट्रीज पी वी। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ये दूसरा स्टॉक है जिसमें आपका देख सकते हो कंपनी बेस्ड है इंडिया का, एंगेज मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक फॉर्म्स का, प्लास्टिक फिल्म्स का जितने भी प्रोडक्शन है। पॉलीप्लेक्स वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग कंपनी है इंडिया का, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, कास्ट पॉली प्रोपोलिथीन्स फिल्म्स का है और टेट्रापैथीन्स फिल्म्स का है। तो देख सकते हो प्लास्टिक का ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म्स प्रोडक्शन का है। तो रॉ मटेरियल एप्लीकेशंस इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इलेक्ट्रिकल एंड मेनी अदर सेगमेंट पे प्रोडक्ट सप्लाई करता है। जियो फिजिकली आपका देखा जाए तो ये मेजोरिटी रेवेन्यू आ रहा है आपका 4,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो 4,932 करोड़ के आसपास है। प्राइस टू देखा जाए तो आपका 1,574 रुपये में ट्रेड कर रहा है और अभी 2 पॉइंट डाउन है 2.2% के आसपास लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। जो आपका प्राइस टू इक्विटी देखा जाए तो इसका 9.37 है, जो इसका इंडस्ट्री का पी है उसके पूरा आधे 50% में आपको ये अंडर वैल्यू में मिल रहा है। इंडस्ट्री का पी 18.6 है और बहुत ही ज़्यादा आपका अंडर वैल्यू में मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग लेजर देन इंडस्ट्री पी वी का है। तीसरा स्टॉक है आपका बिंदिया टेलीलिंक्स लिमिटेड। बिंदिया टेलीलिंक्स लिमिटेड एंगेज है मैनुफैक्चरिंग एंड सेलिंग प्रोसेस पेंटेनिंग ऑल टाइप्स ऑफ रेलवे सिग्नलिंग और कोड केबल्स का, टेली कम्युनिकेशन केबल का, अदर टाइप ऑफ वायर्स एंड केबल्स का। ऑपरेट करते हैं थ्रू टू बिजनेस सेगमेंट्स नेमली इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड केबल सेगमेंट के ऊपर इनका मेन कामकाज है। कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज इंक्लूड्स कॉपर टेलीकॉम केबल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स एंड पावर केबल्स। द मेन प्रोडक्शन ऑफ दिस मेन केबल्स एंड पावर प्रोडक्शन के ऊपर। और सबसे बढ़िया है कि आपका क्लोजिंग्स टू PVS आपका क्लोजिंग है और कंपेयर टू अदर्स का आपका देखा जाए तो 31.5 द मोर ओवर द बुक वैल्यू एंड रेशियो ऑफ दिस कंपनी इंडस्ट्रियल्स पूवी। सही है, बता सकते।